दोस्तों यूट्यूब में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जो भी आपको समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज आपको हम बताने वाले हैं बोविन को देख के हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने वाट तक हम लोग ट्रांसफार्मर को बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इसकी ये जो है ये हो गई लंबाई। दोस्तों ये लंबाई होती है और ये होती है चौड़ाई, ठीक है। और ये होगी लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करेंगे तो इसमें देखते हैं ये जो आ रहा है 1.25 इंच आ रहा है। ये बोबिन जो है इसकी जो लंबाई जो है 1.25 इंच है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई यानी कि विड्थ हम लोग देखेंगे, विड्थ जो है इसकी विड्थ जो है 2 इंच है, इसकी विड्थ जो है 2 इंच है। तो लंबाई चौड़ाई हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई टू, तो ये आ जा रहा है इसकी 2.5 इंच कोर एरिया स्क्वायर। तो दोस्तों ये 2.5 इंच कोर एरिया स्क्वायर इसकी आ जा रही है। तो दोस्तों हम लोग अब इसमें फॉर्मूला के हिसाब से इसको निकालेंगे कितना वाट का ये ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 2.5 इंच जो कोर एरिया था मल्टीप्लाई कर देंगे 5.58 से। दोस्तों ये है फॉर्मूला, इसको जब भी आप करेंगे तो इसको आपको लेना ही पड़ेगा, ये नितांक है। तो इसको बराबर कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे मल्टीप्लाई 5.58। तो ये आ जा रही इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आ जा रही है 13.95, इसकी वैल्यू जो आ रही है 13.95 इंच आ जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 13.95 इसकी जो वैल्यू आ रही है इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे यानी कि जो इसमें वैल्यू आई है उस वैल्यू को डबल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें आ जा रहा है 13.95 मल्टीप्लाई 13.95, तो बराबर दोस्तों इसमें कितना आ जा रहा है 194.60 वाट। दोस्तों ये इसकी वाट निकल जा रही है। इस जो बोबिन देख रहे हैं इस बोबिन में आप 194 वाट तक आप इस ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, कोई भी इसमें 194 वाट तक बना सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप 200 वाट तक बना सकते हैं इसमें, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी ये। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें वाट तो मालूम कर लिए कि इस बोबिन में कितना वाट बनेगा, अब हम दोस्तों मालूम करना है कि इसमें हम लोग कितना एम्पियर तक हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाट मालूम कर लिए हम लोग, अब एम्पियर हम लोग मालूम करते हैं। तो एम्पियर कितना हम लोग यूज कर सकते हैं, तो एम्पियर के लिए क्या दोस्तों हम लोग को एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा पी बाय वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर, ठीक है। ये फॉर्मूला से ही हम लोग सब पता कर सकते हैं। तो हम लोग को वाट मालूम है यानी पावर मालूम है 194 वाट है, ठीक है। और वोल्ट आपको अगर 220 वोल्ट से इसको आप ऑपरेट करेंगे तो इसमें एम्पियर जो आप लेंगे इसके लिए हम लोग मल्टर का प्रयोग करेंगे 194 डिवाइड
220 वोल्ट बराबर, इसमें जो है अगर 220 वोल्ट के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 0.88 एम्पियर आप ले सकते हैं, एम्पियर ले सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें इससे कम लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 194 है, इसमें आप 100 वोल्ट का ही प्रयोग करेंगे तो बराबर इसमें आ जाएगी 194 डिवाइड 100 वोल्ट, 194 वाट डिवाइड 100 वोल्ट बराबर कितनी आ जाएगी 1.94 एम्पियर तक आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी चार्जर बना रहे हैं तो उसके लिए आप 194 12 वोल्ट, ठीक है 194 वाट 12 वोल्ट बराबर कितनी आ जाएगी इसमें 194 डिवाइड 12 वोल्ट बराबर इसमें 16.32 एम्पियर तक आप इसमें आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको वाट मालूम हो गया, एम्पियर भी मालूम हो गया, अब हम लोग वोल्ट मालूम करके कितने वोल्ट तक बना सकते हैं। कितने वोल्ट तक बना सकते हैं दोस्तों, अगर आपको मालूम है ये आपका 194 वाट का है ट्रांसफार्मर, ठीक है, अगर आपको इसमें अगर आपको एक एम्पियर आपको लेनी है इसे तो एक एम्पियर लेंगे आप उस फॉर्मूला के हिसाब से तो 194 डिवाइड 1 एम्पियर बराबर इसमें 194 वोल्ट आप इसमें इनपुट करके एक एम्पियर ले सकते हैं, या फिर एक एम्पियर लेंगे तो आप 194 वोल्ट तक आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मान लीजिए 194 वाट है और इसमें अगर आप 0.5 एम्पियर ही ले रहे हैं आप, ठीक है, मतलब आधा एम्पियर ही आप इसमें यूज करेंगे तो उसमें आप कितना वोल्ट इसमें यूज कर सकते हैं 194 डिवाइड 0.5 बराबर इसमें 388 वोल्ट तक आप इसमें इनपुट करा के आप वर्क करा सकते हैं। दोस्तों ये रहा, इसके वाटेज भी निकल गया, एम्पियर भी आपको बता दिए मैंने और वोल्ट भी आप इतना तक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको स्टेबलाइजर का अगर बनाना है तो स्टेबलाइजर में इसकी फॉर्मूला अलग हो जाती है, तो स्टेबलाइजर में अगर आपको इसमें लेना है तो क्या करना होगा, तो दोस्तों ये जो था वाट जो 194 वाट जो है वो सेकेंडरी वाट है, सेकेंडरी वाट है। दोस्तों अगर स्टेबलाइजर क्या होता है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी होता है, तो दोस्तों अगर इसमें अगर आप स्टेबलाइजर का डिजाइन करेंगे, इसमें इस बोबिन में अगर स्टेबलाइजर अगर डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा 194 ठीक है वाट प्लस प्राइमरी में और सेकेंडरी में 194 वाट, तो बराबर कितनी आ जाएगी 388 वाट तक आप इसमें ट्रांसफार्मर डिजाइन कर सकते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइजर में आप डिजाइन कर सकते हैं, तो ये 194 वाट आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये डिजाइन कर सकते हैं। अगर स्टेबलाइजर में करेंगे तो आप देखो इसमें वाटेज जो आ जाएगी डबल वाट आ जाएगी, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी प्लस करना होता है स्टेबलाइजर में, जो कि स्टेप आप स्टेबलाइजर होता है। तो दोस्तों इसी के हिसाब से आप कोई भी ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हैं, या फिर इसमें आप वाट पता कर सकते हैं बोबिन में कौन सा वाट होगा, आप कितना वोल्ट तक इनपुट करके कितना एम्पियर लेंगे, या फिर कितना एम्पियर देके कितना वोल्ट तक आप उसमें इनपुट करा सकते हैं मेन लाइन। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप कोई भी ट्रांसफार्मर डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग बहुत पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत।